चलिए, जैसे कि हमने अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी डिस्कस किया था, आज का टॉपिक क्या है कि हम अपना जो ब्लॉग का है पावरफुल, उसकी हेडलाइंस किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या करते होंगे कि जो भी हमने कीवर्ड फाइंड आउट किया, वो सारा हमने कीवर्ड क्या किया, हमने फाइंड आउट करके एज इट इज हम उसको कीवर्ड को टाइटल में डाल देते थे, राइट। तो हमें एक्चुअली में वो नहीं करना है, और एक्चुअली में जो हम मतलब कि सीखते आ रहे हैं, या जैसे भी कि हर उसमें हमें लगा देना है कि इंडिया 2020, जैसे कि रामाकृष्णन जी, आपने लास्ट क्लास में बहुत एक अच्छा सवाल पूछा था कि हर हाँ उसमें पूछना, हर टाइटल में मुझे इंडिया 2020 लगाना है कि नहीं, कुछ इस तरीके से पूछा था, नहीं ये सुनो। जी सर, जी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हमें उसका आंसर ये है कि हमें एज इट इज सब में इंडिया 2020 नहीं लगाना है भाई। ऐसा कट टू शॉर्ट कहीं पे भी रूल तो है नहीं कि इंडिया 2020 लगाने से वो आर्टिकल रैंक करता है भाई। देखो, किसी भी आर्टिकल की एक मैं स्टेटमेंट अभी बोलने जा रहा हूँ, आप लोग अगर एग्री करते हो मुझे उससे यस और नो में आप सिर्फ बताइएगा। किसी भी आर्टिकल की रैंकिंग क्या होती है कि अगर हम, जैसे कि ये एक आर्टिकल है, अगर हम इसको हम सर्च करें तो ये टॉप में आएगा, क्या इसको हम रैंकिंग कहेंगे, या फिर जो हमारा ये टारगेट कीवर्ड है मेक मनी इन 2020, इस तरीके से हम इसको सर्च करें तो हमारा वो जो आर्टिकल है वो टॉप में आना चाहिए। रैंकिंग क्या होगी आप मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक होना चाहिए, जिसका एक पर्टिकुलर सर्च वॉल्यूम होगा, कुछ कंपटीशन होगा, इसको हम सर्च करें तो आए आर्टिकल टॉप में, या फिर कि अगर हम ये वाला पूरा का पूरा हम टाइटल सर्च कर दें तो ये आए, रैंकिंग क्या होनी चाहिए आप मेरे को बताओ। माइक ऑन करिए और आप बताइए। रामाकृष्ण जी आप सबसे पहले बताइए, क्योंकि आपका ये सवाल था लास्ट क्लास में। जी हेलो। बताइए सर। हाँ, और रैंकिंग होने का लगता है मुझे एक कीवर्ड डाला तो वो इंडिया 2020 वो नहीं डाला तो वो रैंकिंग में आना चाहिए। किसी हाँ भी सर्च में किया तो वो मेक मनी ऑनलाइन, और साथ में कौन सा भी हाँ मैं कीवर्ड डाला तो वो मेरा आर्टिकल आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि देखिए हमने लास्ट क्लास में, हमने एचरेफ में भी देखा था, या ऊबर सजेस्ट में भी आप देख लो, कोई भी जैसे कीवर्ड है उसका एक सर्च वॉल्यूम है पर्टिकुलर, ठीक है, एक सेट रीजन में, सपोज इंडिया में उसका सर्च वॉल्यूम है 1000, उसका एक कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब सपोज ये एक कीवर्ड हमको ऊबर सजेस्ट से मिला, मेक मनी इन 2020, ठीक है, ये कीवर्ड हमको मिला, टारगेट कीवर्ड हमारा ये है। अब ये कीवर्ड मिला, इसका एक सर्च वॉल्यूम है, इसका एक वो आपका कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब इसको अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप में आनी चाहिए, इसको हम रैंकिंग कहेंगे, या फिर हम पूरा का पूरा ये आर्टिकल का जो हेडलाइन है ये हम डाल दें उठा करके, तो इसको हम कहेंगे, आप बताओ किसको हम कहेंगे कि हमारी हेलो। रैंकिंग क्या हो रही है। कि किसी भी, किसी को भी हम अपने उसको कर रहे हैं, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उस कीवर्ड पे आना चाहिए ना वो आर्टिकल, तो इसी को तो रैंकिंग कहेंगे ना। वही हाँ, या आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं हर आर्टिकल में अगर मैं इंडिया 2020 लगा रहा हूँ तो क्या इस तरीके से रैंकिंग हुई, या मैं अगर ये जो अपना एक आर्टिकल मैंने एक कीवर्ड ये टाइटल बनाया, 9 प्लस वियर्ड वेज टू मेक मनी इन 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है, इस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूँ तो आ रहा है, क्या इस कीवर्ड का आपको लगता है क्या इस कीवर्ड का कुछ सर्च वॉल्यूम होगा पूरे पूरे टाइटल का? कम लोग सर्च करते होंगे ऐसा। कम लोग सर्च करते होंगे, या हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं उस ऑडियंस को, नेग्लिजिबल ही होगा, क्योंकि आप कभी भी या कुछ भी सर्च करते हो तो आप इस तरीके से सर्च करते हो कि हाउ टू मेक, मतलब हाउ टू, आप क्वेरी देखते हो ना हाउ टू, ये हमने पिछले वाले में भी सेशन में हमने बात करी थी, बेसिक वाला जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, कि उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था कि नेविगेशनल कंटेंट होना चाहिए या फिर ट्रांजैक्शनल कंटेंट होना चाहिए, वो वाले सेशन में, तो वो वाली चीज आप खुद अपना, आप किस तरीके से सर्च करते हो, आप एज एन आप अपनी तरफ कस्टमर की तरफ आप वैसे आप सोच के देखो, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आज का जो जैसे टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, पावरफुल हेडलाइंस किस तरीके से बनाओ, अपने कीवर्ड को उसमें एम्बेड कैसे करो। अब जैसे हमारा एक कीवर्ड है मेक मनी इन 2020, ये हमको कहीं से भी मिलाओ
जैसे कि हमको एचआरएफ में हमने देखा, उबर सजेस्ट में देखा, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमने प्लेटफॉर्म पहले के सेशन में डिस्कस किए, तो हमने ये वाले सेशन, ये वाले उसमें हमने ये कीवर्ड हमने निकाल लिया, मेक मनी इन 2020। ठीक है, अब एक जो नॉर्मली लोग जो बनाते हैं वो ऐसे होगा कि अमेजिंग वेज टू मेक मनी इन 2020 या फिर हाउ टू मेक मनी इन 2020। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑल दो कीवर्ड टाइटल तो आ गया, बट हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो अल्टीमेटली अगर ये टॉप में आ रहा है या फिर सेकेंड थर्ड पोजिशन पे आ रहा है, तो हमें हमको क्या बढ़ाना है कि जो अगर कोई आर्टिकल उसने सर्च किया और सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी आ रहा है, सपोज फर्स्ट पे नहीं आ रहा, सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो हमको क्या करना है कि हमको इतना अट्रैक्टिव वे में अपना आर्टिकल बनाना है, अपने आर्टिकल का जो टाइटल है वो, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल में जब कोई भी देखता है उसको, तो सबसे पहली चीज वो टाइटल पढ़ता है, करेक्ट। तो टाइटल को इतना अट्रैक्टिव बनाना है। अब जैसे इसी सेंटेंस को, एक जो तरीका है वो लोग लिखते हैं कि हाउ टू मेक मनी इन ऑनलाइन 2020, ठीक है, और एक जो इसी सेंटेंस को हम रीफ्रेम करते हैं एक अट्रैक्टिव वे में, 9+ वियर्ड वेज टू मेक मनी। अब वियर्ड वेज तो इसमें से किसी डाउट में पड़ जाएगा, इस ये कोशिश करो कि आपको कोई सेंटेंस पढ़ करके वो एक बार एक सेकंड के लिए सोचे कि इस आर्टिकल में क्या होता है। जैसे कि 9+, अब जैसे एक ऑड नंबर है 9+, हमने 10 नहीं लिखा, हर कोई लिखता है टॉप 10, बेस्ट 10, इस तरीके से लिखता है, हमने 10 नहीं लिखा। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो जैसे कि 9+1, अब ये देखो एक यूनिक वे में हो गया, ठीक है, यू नीड टू बी क्रिएटिव, ठीक है, 9+1 वियर्ड वेज, कुछ अलग सा कुछ होगा इसमें, इस तरीके से ड्यूरिंग लॉकडाउन, इस तरीके से ये इसमें देखो मेक मनी इन 2020 एग्जैक्ट सेम कीवर्ड हमारा इसमें भी आ गया, मेक मनी इन 2020, ठीक है, ऊपर भी आ रहा था पर इसमें भी आ रहा था। यहाँ पे क्या हमारा इंटेंट है कि एक यूनिक वे में हम यूजर को दिखाएं जिससे कि वो टैप ऑन हो, मतलब कि उस पर क्लिक करे वो जो भी यूजर सर्च कर रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा हम एक कीवर्ड ले लेते हैं, जैसे कि एक हमारा कीवर्ड है लूज वेट, ठीक है, इसका भी कुछ सर्च वॉल्यूम होगा, कुछ कीवर्ड डिफिकल्टी होगी। इसमें क्या लोग करेंगे कि हाउ टू लूज वेट न्यू वेज, इस तरीके से। अब यहाँ पर पे क्या है कि क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था बैकलिंक को, के जो ब्रांड डीन है उनकी वेबसाइट में भी आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट में वो अपने जो ब्लॉग लिखते हैं उन्होंने 30-35 आर्टिकल लिखे हैं और इनका वेबसाइट में मिलियंस में ट्रैफिक आता है। मेजॉरिटी आप उनके देखोगे ब्रैकेट्स में वो कुछ यूनिक सी चीज लिखते हैं कि ब्रैकेट में वो इस तरीके से चीज लिखते हैं कि उसमें क्लिकेबल हो वो चीज। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एफर्टलेस वेज टू लूज वेट माई सीक्रेट्स, इसमें मैं अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ, पर्सनल सीक्रेट्स बता रहा हूँ, तो इसमें मतलब कि पर्सनल ओपिनियन एक जुड़ा हुआ है। इसमें एक बात हो रही है, इस टाइटल से आपको क्या समझ में आ रहा है, हाउ टू लूज वेट, कि इससे एक जनरल वे में आपको मिलेगा इसमें आर्टिकल। इसमें क्या है, एफर्टलेस, यहाँ पे मैं कुछ कि कुछ एफर्टलेस, कुछ मुझे एफर्ट नहीं लगाना है, एक और इसमें मैं अपने सीक्रेट बता रहा हूँ, करेक्ट। अब एक क्विक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें बैकलिंको वाली साइट पे, बैकलिंको की, ये आपको जैसे कि आप पता होगा ये उसका है, उसकी साइट है ब्रांडिन की, ब्रांडिन एक बहुत ही मतलब कि ये मतलब रेनाउंड एफिलिएट मार्केटर है, तो इनकी आप देखो जैसे कि ये एक आर्टिकल है, ठीक है, अब इसको देखो आपको इसको पढ़ने का मन करेगा कि नहीं, कि हाउ टू बिल्ड ऑसम बैकलिंक्स। अब इसमें देखो पावर कीवर्ड क्या है, ऑसम, यहाँ पे ये सिंपल भी लिख सकते थे हाउ टू बिल्ड बैकलिंक्स या हाउ टू बिल्ड डू फॉलो बैकलिंक से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, ऑसम, और लिखने का तरीका भी देखो इसमें क्या है, ये कैपिटल में, तो ये क्या है आपके एक आई ग्रैब करता है, आई ग्रैबर एक पावर कीवर्ड है ये इनका, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है कि 9 प्रूवन स्ट्रेटजीज जो इन्होंने भी यूज करी है और इस तरीके से। तो ये इस तरीके से अगर आपके पास गूगल में ये रैंक होता है और इस तरीके से आएगा तो आप ऑब्वियसली इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये तो आपको पता है। इससे आप एग्री करते हो कि नहीं, ये सुनो, यस सर। और ये चीज ये एक ही बार नहीं करते हैं, ये चीज ये एक ही बार नहीं करते हैं, इनकी साइट आप देखोगे backlinko.com, तो इनकी साइट नॉर्मली बस 30-35 आर्टिकल पड़े हैं। अब जैसे एक छोटा सा आप देखोगे इनकी साइट पे कि HRF द डेफिनेटिव गाइड, फुल गाइड भी लिख सकते थे कि फुल डिटेल्ड गाइड भी लिख सकते थे, बट ये देखो कुछ यूनिक सा एक नया वर्ड है डेफिनेटिव गाइड, जो कि नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और बात, हाउ टू रैंक ऑन पेज वन ऑफ गूगल फास्ट, और यहाँ पर पे इन डेप्थ केस स्टडी। अब यहाँ पर पे इन डेप्थ वर्ड यूज हुआ है, वो भी ये ब्रैकेट्स में, तो ब्रैकेट हमेशा आपका आई कैच कर रहा है। आप अपने आप से खुद पूछो, आप जब पढ़ रहे हो तो आपने ऊपर वाली चीज, ये वाली चीज बाद में पढ़ी होगी, पहले आपने इन डेप्थ केस स्टडी पढ़ा होगा, राइट? ये सुनो बताइए। तो इसमें ये बेसिकली क्या होता है, ये एक बेसिकली एक छोटी सी ह्यूमन साइकोलॉजी है ब्रेन की। ये क्या साइकोलॉजी क्या, इसमें अगर हम एक नॉर्मल से हट के हम किसी कुछ भी अगर काम करते हैं, कि अगर नॉर्मल से अगर अगर कोई भी लिख रहा है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल था हमारे ये नोटपैड वाले में, कि ये वाले में कि अब जैसे कि सिंपल एक लिख रहा है हाउ टू लूज वेट, एक जनरल वे में लिख दिया, यहाँ पे क्या है एक हम एक उसी सेंटेंस को रीफ्रेम कर रहे हैं, एफर्टलेस वेज टू लूज वेट माई सीक्रेट्स। तो इस तरीके से कुछ एक न्यू, एक नए अंदाज में कुछ वो, इसमें क्या है आप ध्यान रहे कि आपका जो कीवर्ड था लूज वेट, एग्जैक्ट आपका ये देखो इसमें भी आ गया, जो रीफ्रेम हमने किया लूज वेट उसमें एग्जैक्ट आ गया, या हाउ टू लूज वेट था तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते थे, अगर हाउ टू लूज वेट पूरा कीवर्ड होता तो इस तरीके से लिख सकते थे, effortless ways to how to lose weight, या इस तरीके से आप कुछ लिख सकते थे, और फिर ब्रैकेट में आप ऑब्वियसली आप कुछ भी डाल सकते हो माय सीक्रेट से, इस तरीके से एक अट्रैक्टिव आए। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि हाउ टू हिट कवर ड्राइव शॉट्स, ये एक सिंपल सा जनरल फॉर्म में ले लिया, गुड फॉर्म में क्या होगा जो कि एक अट्रैक्टिव लगे, हाउ टू हिट कवर ड्राइव लाइक विराट कोहली। अब हमें हमारे माइंड में क्या फिट है कि विराट कोहली कवर ड्राइव अच्छा खेलता है, उसके जैसा कोई नहीं खेलता है, ठीक है, हमारे माइंड में ये फिट है। तो अगर हमने एक सेलिब्रिटी को, एक रेनाउंड नेम को अपने टाइटल में जोड़ दिया, तो हमने क्या किया कि एक ये क्लिकेबल एलिमेंट हो गया, यहाँ पर पे आएगा कि हमको विराट कोहली जैसा कोई वीडियो मिलेगा या उसमें कोई हमें सिखा रहा होगा इस तरीके से, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, या विराट कोहली ही की कोई वीडियो उसमें होगी, अगर आप उस तरीके का कोई कंटेंट उसमें आप अपने ब्लॉग में एम्बेड कर दो तो वहां पे यूजर आपके ब्लॉग पे स्टिक हो जाएगा, और जो ऑफ कोर्स आपका जो कीवर्ड है हाउ टू हिट कवर ड्राइव, वो आपके इसमें आ रहा है एग्जैक्ट हाउ टू हिट कवर ड्राइव, इसको आपको चेंजेस नहीं करना है, जैसे कि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। तो पावर कीवर्ड्स क्या होते हैं, पावर कीवर्ड अभी हमने बैकलिंको वाली साइट पे भी डिस्कस किया था, ऑसम आ रहा था, ठीक है, वो एक तरीके का पावर कीवर्ड है। तो पावर कीवर्ड ऐसे ही एफर्टलेस, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया एफर्टलेस, फन, इनक्रेडिबल, फ्री, फ्री बहुत मतलब कि बहुत यूज होता है एफिलिएट वेबसाइट्स, एफिलिएट कंटेंट के लिए भी बहुत जगह यूज होगा, कि या फिर अगर आपको कोई एग्जैक्ट आपको ग्रैब करना है, तो अभी जैसे 6-7 में वो चल रहा है, डील्स चल रही है, तो आप एट द रेट कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो एज एन ये पावर आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि डिस्काउंट मैंने ये देखो लास्ट में भी लिखा हुआ है डिस्काउंट, ठीक है, तो ये आपके पावर कीवर्ड्स हैं, इनको आपको यूज जरूर और जरूर करना है आपने टाइटल में, ठीक है, और फिर आपको यूजर को बताना है कि किस तरीके से उसको क्या मिलेगा, उसको स्ट्रेटजीज मिलेंगी, फॉर्मूला मिलेगा, टैक्टिक्स, रीजंस, वेज, लेसंस, इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ एक सेट फॉर्मूले हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, सेट फॉर्मूलेज। एक फॉर्मूला है जैसे कि नंबर ब्रैकेट में प्रूवन, फिर एक्शंस ऑफ वेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, ये ब्रैकेट में, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक टाइटल है कि 7 प्रूवन टेक्निक्स टू बिल्ड मसल्स, ठीक है, 17। अब यहाँ पे देखो 17, फिर प्रूवन, अब इसको प्रूवन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, प्रूवन की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो कि 17 माई स्ट्रेटजीज, इस तरीके से 17 माई सीक्रेट्स, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, 17 माई सीक्रेट्स, या फिर 17 माई सीक्रेट्स ऑफ टेक्निक्स, या इस तरीके से आप जो भी मतलब कि जिस भी तरीके से आप फ्रेम करो, ठीक है। फिर एक्शंस ऑफ वेज, जैसे कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया क्या एक्शन है, या फिर इसकी एक्शन की जगह आप पावर कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को आपको मतलब कि क्रिएटिव होना है अपने टाइटल के संग, क्योंकि फर्स्ट चीज ही गूगल सर्च रिजल्ट में आता है एसईओ में, वो ही आपको पढ़ रहा है, ठीक है। ये कुछ टाइटल्स हैं, अगर आप इसमें देख लो, और इसमें अगर कुछ डाउट आए तो आप इसको मतलब कि आप इसमें पूछो, ठीक है। एज एन ये इसमें मतलब 3-4 इस तरीके से मैं जिस तरीके से लिखता हूँ
वो मैं आपको बताया हूँ। इसमें अगर कुछ इतने अभी सेशन में कुछ डाउट है फिर पूछो, फिर हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ को क्राफ्ट करना सीखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ को क्यों इम्पोर्टेंस इतना दिया जाता है और क्यों उसको बढ़िया वाला बनाना चाहिए। हेलो, हाँ इसमें जी कुछ डाउट नहीं है। नहीं नहीं डाउट है, ठीक है ठीक है। चलो तो अब एक काम क्या करते हैं, ये तो अपना हो चुका है सेशन, मतलब ये वाली चीज। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, फर्स्ट पैराग्राफ हमको किस तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट क्या होता है, क्यों इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को, क्योंकि जो फैक्ट है ये एक्चुअली अपने नील पटेल भी अपने ब्लॉग्स में बता चुके हैं, या नील पटेल को अगर आप फॉलो करते होगे तो वो हमेशा ये इस चीज को बोलते रहते हैं कि 90% ऑफ योर ऑडियंस एग्जिट द ब्लॉग, सॉरी इसमें एग्जिस्ट लिखा है, एग्जिट द ब्लॉग पोस्ट इफ दे डोंट फाइंड द फर्स्ट पैरा अट्रैक्टिव। ये तो जानते हो, अगर आप कोई भी आर्टिकल को आप पढ़ते हो, कुछ भी आप पढ़ो, ठीक है, अगर उसका स्टार्टिंग इंटरेक्टिव नहीं होती है या अगर उसका स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है तो आप उस चीज को छोड़ के चले जाते हो, मतलब कि आप उस चीज को क्विट कर देते हो, आपको आप उस चीज में इंटरेस्ट लूज कर देते हो, राइट। ये सुनो मैं आप बताते रहिए, ये एक मतलब कि एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, इसको मैंने क्या किया कि इसको 3P PPP फॉर्मूला, इसका इसका क्या है कि प्रीव्यू प्रॉमिस और प्रूफ, PPP फॉर्मूला, प्रीव्यू प्रॉमिस और प्रूफ। अब इसमें क्या है, कस्टमर को आपको, जैसे कि हमने एक अपना टाइटल बना लिया, फाइव वेज टू लूज वेट इन 2019 या जैसे भी 2020 इसको कर लेते हैं, ठीक है, फाइव वेज टू लूज वेट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला अगर हमारा है तो हम जो कंटेंट इस तरीके से लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि प्रीव्यू, इसमें देखो फर्स्ट लाइन आपकी क्या है कि फर्स्ट आप कुछ भी इंट्रोडक्शन दे दो कि लूज वेट किस तरीके से, मतलब कि क्यों इम्पोर्टेंट है वेट लूज करना, क्यों फिट रहना इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। फिर प्रीव्यू जो आपके कंटेंट में है, प्रीव्यू मींस जो आपके कंटेंट में है, एक या दो लाइन में आप उसको समराइज करो, ठीक है। जैसे कि एक इस वाले एग्जाम्पल में प्रीव्यू क्या है कि टुडे आई एम गोइंग टू शो यू 5 fast ways to lose weight, ठीक है, 5 fast ways to lose weight। तो एक लाइन में हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया हमारे आर्टिकल में क्या होना चाहिए, जैसे कि हमारा टाइटल भी बताता है, ठीक है। अब प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस हमें क्या करना है कि द मेथड्स आर 100% साइंटिफिक एंड नेचुरल। अब इसको आप डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हो किसी ना किसी तरीके के प्रूफ से, आप कोई स्क्रीनशॉट डाल दो या फिर कुछ इस तरीके से, तो आपको नेक्स्ट वाला आप देखोगे प्रूफ क्या है इसमें, जो इसमें ऊपर फर्स्ट लाइन में आप कह रहे हो, आप जो टाइटल में कह रहे हो फाइव वेज आप बताओगे लूज वेट करने का, तो इसका प्रूफ क्या है, आप इसमें क्या करोगे कि इसमें एक लाइन हमने ऐड करी, इनफैक्ट अवर वन ऑफ द रीडर्स लूज 5 kg ऑफ 1 month, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई एक टेस्टिमोनियल दे दो या फिर कोई एक पर्टिकुलर आपका जो रीडर है वो आप एक पर्टिकुलर वीडियो के फॉर्म में आपको वो बता रहा है, तो वो उसको आपने अपने YouTube चैनल पे पब्लिश कर दिया और वो अपने चैनल आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, ठीक है, क्यों वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको एज एन प्रूफ करना है। जैसे कि आपको अभी ध्यान होगा, अभी आपके संग क्या हुआ, थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने वो चीज आपसे कुछ आपसे बोली थी कि हम जो कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जो हम कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं उसका एक सर्च वॉल्यूम होता है, उसका एक डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है, उसी को तो कोई लोग सर्च कर रहा है ना, मतलब कि सर्च वॉल्यूम है, अगर कोई उसको सर्च करेगा तो उसको टॉप में आना चाहिए, ठीक है, वो अगर कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप में आना चाहिए। हमारी पूरा का पूरा टाइटल अगर आप सर्च कर लोगे और उस पर अगर आपकी साइट रैंक हो रही है, भाई उसको तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, तो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कहाँ से आएगा, ये बताओ। जब उस पर्टिकुलर आप ये चीज पहले चीज बताओ मानते हो कि नहीं, तो मैंने आपको एग्री करवाया ये बोल करके आप ये मानते हो कि नहीं, आप लोगों ने यस बोला,
ठीक है, एक सिंपल सी बात है, जिस भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है गूगल में वो उसी को तो लोग सर्च कर रहे हैं, और उसमें अगर हम टॉप में आ रहे हैं तब जाकर के हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। अगर कोई सर्च ही नहीं कर रहा है तो फिर हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आएगा? इक्का दुक्की लोग आ जाएंगे, वो कोई ट्रैफिक हुआ उससे आपकी जनरेट होगी, और वो इक्का दुक्की क्या होगा, वो आप खुद ही हो गए, क्योंकि आपने आर्टिकल लिखा है, आपके माइंड में होगा कि मैं चलो चेक करता हूँ मेरा आर्टिकल कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैंने आपको प्रूफ करवाया कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने ये चीज प्रूफ कराई, तो मैंने ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये मैंने इसी सेंटेंस को प्रूफ कराने के लिए अपने सेशन को आज इस तरीके से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कंप्लीट पैराग्राफ किस तरीके से हो सकता है, आप एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि फर्स्ट पैराग्राफ एक दो से तीन लाइन, एक छोटी सी, आप इसको कुछ एक्सटेंड भी कर सकते हो, तो इस तरीके से होगा कि आपका टाइटल क्या है, 5 ways to lose weight in 2020 या 5 effortless ways to lose weight in August 2020। अब August अगर आप दे रहे हो तो आप देखो उसके कस्टमर के माइंड में आप एक फिट कर रहे हो कि भाई हम जुलाई में कुछ और ट्राई करेंगे या अगस्त में कुछ और करेंगे, एटलीस्ट वो क्लिक करेगा। ठीक है, अगस्त में, अब इससे क्या होगा, अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप देखो, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू फाइव फास्ट वेज टू लूज वेट, द मेथड्स आर 100% साइंटिफिक एंड नेचुरल। इससे हमने क्या किया, प्रॉमिस कर दिया कि साइंटिफिक है, नेचुरल है या आयुर्वेदिक है, इस तरीके से हमने उसको उसके माइंड में बिठाया। फिर हमने क्या किया, इनफैक्ट अवर फर्स्ट रीडर्स फर्स्ट या फिर वन ऑफ द रीडर्स लूज 5 kg ऑफ वेट इन 1 month। फिर हमने नीचे क्या दे दिया, टेस्टिमोनियल दे दिया या फिर एक वीडियो फॉर्म में दे दिया उस पर्टिकुलर जो हमारा क्लाइंट है उसका टेस्टिमोनियल कि वो सेटिस्फाइड है, उसका ये देखो वीडियो। तो इससे हम क्या करा रहे हैं, प्रूफ करा रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यूजर का इंटेंशन टू रीड योर ब्लॉग वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें आ जाती हैं, आप कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करोगे और उसको आप एसईओ किस तरीके से उसका करोगे। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो ऑन पेज यही है, और उसमें हम डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे कि ऑन पेज आप कितने क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो नॉर्मली तरीके से, और वो योस्ट और रैंक मैप में कितना डिफरेंस है आप इसको भी देखोगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे आप किस तरीके से रैंक कर सकते हो। अब इस वाले सेशन में, ये टॉपिक में, क्रिएटिंग योर फर्स्ट पैराग्राफ 3P मॉडल आप क्रिएट करने, आपको समझ में आया कि नहीं आप बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। इंटरेस्टिंग था कि नहीं ये 3P मॉडल अट्रैक्ट गेन करने के लिए, और बाकी अपना किस तरीके से अट्रैक्टिव वे में हेडलाइन आप क्रिएट करो ये चीज, क्योंकि एक दो ये सेशन बेसिकली उसी लिए रखा है क्योंकि शायद चंदन जी ने या फिर एक और किसी ने ग्रुप में एक दो दिन पहले पूछा था कि मुझे हेडलाइन क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है, हेडलाइन ये करने के लिए, तो मैंने इसको एज एन इस तरीके से समझाने को मैंने आपको लोगों को बताया। तो ये था, इंटरेस्टिंग था कि नहीं आज के उसमें सेशन में, इंटरेस्ट आपको आया कि नहीं?